में तीन कनेक्टर होता है, जो पावर बटन है जिससे हम लोग ऑन करते हैं। हमारा वेंटी अभी ऑन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लंग्स, वेंटिलेशन। हे गाइस, तो आज का ब्लॉग नाइट ड्यूटी से स्टार्ट होता है, तो चलते हैं नाइट शिफ्ट, क्योंकि टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं, अभी जा रहे हैं ड्यूटी। तो मिलते हैं ड्यूटी पे, वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत टाइम बाद नाइट ड्यूटी ब्लॉग बना रही हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो हमारा नाइट ड्यूटी का जो भी काम था, मेडिकेशन वो कर लिया है, लेकिन अभी हम लोग फ्री बैठे हुए थे, 11:30 बज रहे, तो कुछ कुछ न्यू ज्वाइनिंग आई हुई है, तो उन लोग को चलिए बताते हैं कि वेंटी कैसे ऑन करते हैं, क्योंकि वेंटी पेशेंट आएगा तो उन लोग को भी आना चाहिए ना, तो चलते हैं। चलो। हमारे वेंटी में तीन कनेक्टर होता है, जो कि एक मेन स्विच के लिए हम लोग करते हैं, और एक ऑक्सीजन के लिए रहता है, और दूसरा वैक्यूम के लिए। पीछे पावर बटन है जिससे हम लोग ऑन करते हैं। ये रहा हमारा वेंटी, अभी ऑन होगा। लंग्स वाला पहले ही पोर्शन दिखा देता है वहाँ पे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लंग्स, जिसको हम लोग कनेक्ट करके पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है कि नहीं पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले। स्टार्ट वेंटिलेशन। ये रहा हमारा वेंटी, ऑन हो गया। उसके बाद देखिए ये आर्टिफिशियल लंग्स जो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये पंप कर रहा है जैसे हमारा लंग्स। ये सारे सेटिंग्स हैं। तो हाँ, वेंटी ऑन करना तो आ गया, लेकिन अब वेंटी में क्या क्या सामान यूज़ होता है पेशेंट के लिए, तो वो भी पता होना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि वेंटी में क्या क्या सामान रेडी करके रखना पड़ता है अगर पेशेंट को लगेगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैरेंजोस्कोप, जिसमें अच्छे से पहले चेक कर लिया होता है, ऑन कर गया। पहले हम लोग चेक करते हैं कि लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं, इसको खींचे ना, लाइट ऑन हो गया। देखिए ये मेन पॉइंट है, इसको चेक करना है कि हमारा लैरेंजोस्कोप काम कर रहा है कि नहीं करना है। इसका भी साइज़ दिया हुआ रहता है, पेशेंट के हिसाब से ही साइज़ चूज़ किया जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं ईटी ट्यूब, जो रेयरली तो 7.5 या 7 हम लोग यूज़ करते हैं पेशेंट पे, पर डिपेंड ऑन पेशेंट एज भी यूज़ होता है, तो ईटी ट्यूब भी रखना है। उसके बाद सर्जिकल ग्लव्स भी ट्रे में रखना है, राइस ट्यूब 16 नंबर का, सक्शन कैथेटर, इसको बोलते हैं घुजी, जिसको ईटी ट्यूब लगाने के टाइम ये यूज़ किया जाता है। अम्बू, अम्बू भी रेडी होना चाहिए, जो ऑक्सीजन कनेक्टर से कनेक्ट हो, ये सारा रेडी करके रखना है, ऐसे मास्क भी कनेक्ट करके। एयरवे भी होना चाहिए ट्रे में, ये आर्टिफिशियल लंग्स है, इसको भी ट्रे में रखना है। थ्री वे रखना है, इसको फेंकिए, सिरिंज रखना है, और लाइफ सेविंग ड्रग भी, ये एडरलिन और एट्रोपिन इंजेक्शन, फिल्टर रखना है, और टीपीस को भी रखना है। डायनाप्लास्ट भी रखते हैं, पर कटिंग करके रखना रहता है, ऐसे मत रखिएगा। ये रहा प्रोपोफोल इंजेक्शन, इसको भी रखना रहता है, और ये मीडाजोलम इंजेक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और आपके लिए ये यूज़फुल हो। मैंने ट्राई किया है कि शॉर्ट में ही आपको बता दो, एंड मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे वीडियोस देखे तो 80% लोग अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।